प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। 11:40 पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि अगले 5 मिनट में इस हॉस्टल को बम से उड़ा दिया जाएगा। हॉस्टल में रहने वाले ज्यादातर लोग सोने की तैयारी में थे और कुछ लोग सो भी गए थे, लेकिन इस आफत वाले अज्ञात नंबर से आए इस फोन ने सबकी नींद उड़ा दी। पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये मामला है मुंबई के MLA हॉस्टल की कल रात 11:30 की घटना है। इस परिसर में लगभग 200 के आसपास लोग थे। आनन फानन में मुंबई पुलिस को सूचना मिली। मुंबई पुलिस BDDS पहुंचकर फोन कॉल की तहकीकात शुरू की। इमारत में मौजूद सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाली और फिर सिफर डॉग की मदद से परिसर को अच्छे से चेक किया गया। यहां तक कि पुलिस ने इमारत से काफी दूर तक का इलाका भी चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ भी संदेह नहीं मिला। लेकिन मामला राज्य के विधायकों के लिए बनाई गई आवासीय इमारत से जुड़ा था, जहां कुछ विधायक रात में रुके हुए थे। इसलिए लोगों को पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे तक पूरे इलाके को तहकीकात की, बाद में अंदर जाने की इजाज़त दी। आमदार निवास पे इनके लैंडलाइन पे 11:40 को फोन आया था कि उनको फोन आने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस 11:45 तक यहाँ तक आ गए। यहाँ आने के बाद 3 BDDS स्क्वाड यहाँ पे चेकिंग के लिए लगाए दिए गए और 6 मंजिले तक पूरा एक एक रूम करके सबको चेक कर दिया। उसमें जो कुछ रहने के लिए आए थे उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी ये घंटा ये सब चेक करने के बाद और आउटर भी चेक करने के बाद अभी यहाँ के जो रहने के लिए जो नागरिक थे उनको अंदर भेज दिया गया। कॉल तो बस इतना ही था कि 5 मिनट में आकाशवाणी का जो आमदार भवन है उड़ाया जाएगा। बस उस हिसाब से हमने पुलिस की टीम यहाँ आ गई है, सब चेक कर दिया है और अभी सब कुछ ठीक है। नंबर हो गया एड्रेस, अभी वो आगे की कार्रवाई हम देखेंगे। बिल्डिंग में 45 जो ये है रूम है उसमें लोग थे, अंदाजन 150-150 लोग थे। पुलिस ने बताया कि जिस व्यक्ति ने फोन किया था, धमकी दिया था, उसका नंबर ट्रेस कर लिया गया है और उस पे मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस शुरू कर दी है। पुलिस ने ट्रेस तो कर लिया है मगर नाम नहीं बताया है आखिर कौन है जो आधी रात को धमकी भरा कॉल किया था। लेकिन जिस जगह पर यह इमारत है वहां पर मंत्रालय समेत कई सरकारी प्रतिष्ठानों के मुख्यालय हैं और कई महत्वपूर्ण लोग भी आसपास रहते हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।